वेलकम बैक टू माई किचन। तो चलिए हम अपने किचन में आज एक यमी सा डोरा केक बनाते हैं जो कि सभी बच्चों से लेके बड़ों तक की पसंद होती है। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। आज जिस रेसिपीज को बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट से आपका रूबरू कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 बॉल मैदा ली हूँ। आप चाहे तो इस जगह गेहूँ के आटे का भी यूज कर सकती हैं। 1 बॉल पिसी हुई चीनी है, चीनी आप पीस कर ही लें। और 1/2 बॉल मैं चॉकलेट्स को मेल्ट की हूँ। आप चाहें तो न्यूटेला भी ले सकती हैं, बट लॉकडाउन की वजह से मैं चॉकलेट यूज कर रही हूँ क्योंकि चॉकलेट सभी के घर में अवेलेबल होता है। और 1 टेबल स्पून बटर ली हूँ, मेल्ट किया हुआ बटर है। बेकिंग पाउडर ली हूँ, मैं इसे 1/2 टेबल स्पून यूज करूँगी। और थोड़े से दूध, दूध बटर को बनाने के लिए दूध ली हूँ मैं, 1/2 ग्लास दूध है। एंड 1 टेबल स्पून हनी डालूंगी मैं। हनी हमारा थोड़ा है बट मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, हनी थोड़ी ही डालना है, तो जितने चाहिए हमें उतना है हमारे पास। तो चलिए हम इस रेसिपीज को बनाने के लिए आगे की तरफ चलते हैं। और ये थोड़े से मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, आप चाहें तो इसके जगह मिल्क मेड का भी यूज कर सकती हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेते हैं और बॉल में ये 2 टेबल स्पून जो मैं 1 टेबल स्पून जो बटर ली हूँ उसे मैं डालती हूँ। और अब इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड करती हूँ, 1/2 कप ली थी मैं, 1/2 बॉल। और उसके बाद मैं पिसी हुई चीनी को ऐड करूँगी, 1 कप या 1 बॉल मैदा, आप इसके जगह व्हीट फ्लोर का भी यूज कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून हनी डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हमें बेकिंग सोडा का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें आप। और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ दूध के साथ हम इसे धीरे धीरे मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर तैयार कर देंगे, स्मूथ सा। दूध हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक ही बार दूध को ऐड नहीं करना है। हमारा परफेक्ट तैयार है। और अब इसे अगर आप स्पून की हेल्प से इसे फेंट रहे हैं तो आपको 5 मिनट तक फेंटने चाहिए। अगर आप इसे विस्कस की हेल्प से फेंट रहे हैं तो इसे 2 से 3 मिनट काफ़ी है इसके बैटर को तैयार करने के लिए। बैटर तैयार है तो चलिए अब इसे हम डोरा केक बनाने चलते हैं। पैन लेते हैं और पैन वही लेना है जिसके ढक्कन हो, विदाउट ढक्कन हमारा डोरा केक बनना बहुत ही मुश्किल है, तो ध्यान तो फ्रेंड्स हम एक पैन लेते हैं और ध्यान रहे कि पैन हमें वही लेना है जिसके ढक्कन हो। अगर आपके पास ढक्कन वाली पैन नहीं है तो डोरा केक बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि हमें पैन ढक्कन वाली लेनी है। तो चलिए पैन हमारा हीट हो गया है और अब हम डोरा केक बनाना शुरू करते हैं। बैटर को डालने के लिए इस तरह का कुछ एक स्पून टाइप करछी टाइप ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे इसके जो क्वांटिटी इसमें आएंगे जो बराबर बनेगा, हमें बराबर साइज़ के डोरा केक चाहिए, तो कुछ ऐसे चीज़ों से डालिए जो सबकी मेजरमेंट बिल्कुल सही हो और हमारे सारे डोरा केक एकदम सही शेप में बने। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं क्योंकि हमें इसे ग्रीसिंग करनी है, तो आप ब्रश से भी कर सकती हैं और वैसे भी ये हो जाएगा। तो चलिए इस टिश्यू पेपर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं ताकि ये बराबर एकदम हीट हो जाए। पैन हीट है जितना हमें हीट चाहिए और हम एक सेम मेजरमेंट का इक्विपमेंट लिए हैं और इससे हम इसके बैटर को डालेंगे। बैटर को हमें फैलाना नहीं, ये खुद ही फैल जाएगा, हमें इतना डालना है बस कि हमारा सभी सेम बने। और इसे हम इस लीड से ढक देते हैं और हमारा गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा, मीडियम टू लो। 2 मिनट तक इसे, 2 to 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। हम इस लीड को हटाते हैं क्योंकि 2 to 3 मिनट्स हो गए हैं और अब इसे हम पलट लेंगे। इसे हम पलट लेंगे तो धीरे धीरे थोड़े से इस तरह करते करते हम इसे पलट लेंगे और देखिए जैसा हमें चाहिए एकदम वैसा ही आया है। और थोड़ी सी हम इसे इस तरफ से भी सेक लेंगे और ये देखिए हमारा ये भी बनकर तैयार है। और हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इस तरह हम सारे को बना लेते हैं। देखिए मैं दूसरी वाली भी डोरा केक बना ली हूँ
और इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम सारा बना लेते हैं। हमारे डोरा केक्स बनकर तैयार हैं। तो चलिए, इसे मैं पेयर्स में बनाई हूँ इसीलिए कि इसे इस तरह अरेंज करना होता है। और देखिए, इसमें जितने सारे होल्स आएंगे आपके डोरा केक उतने ही अच्छे बनेंगे। आपको थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखिए, एकदम होल्स, बहुत सारे होल्स बने हैं। तो ये परफेक्ट डो था हमारा बना हुआ, एकदम तैयार अच्छा था। और ये इस तरह से हम इसे अरेंज कर लेंगे पेयर वाइज। डोरा केक देखिए पेयर वाइज बिल्कुल तैयार हैं इस तरह। तो हम सभी का पेयर बना लिए और टोटल मैं 10 डोरा केक तैयार की थी, 10 से 12। हमारे की टोटल 6 पेयर बने हैं, यानी कि टोटल 12 डोरा केक तैयार किया था हमने। और ये देखिए कितने फ्लफी बने हैं हमारे डोरा केक। एक के मैं स्पेशली आपको दिखाने के लिए बनाई थी, तो एकदम अंदर से फ्लफी है इस तरह से। देखिए, जो मैं मेल्टेड चॉकलेट ली हूँ, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप चाहें तो सकती हैं, बट इस लॉकडाउन की प्रॉब्लम की वजह से मैं ये हमारे पास जो चॉकलेट थे मैं उसी को मेल्ट की हूँ। और इससे मैं अच्छी तरह इसमें स्प्रेड करूँगी। इस तरह से हम स्पेस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दूसरे पेयर से हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे और हल्का सा पुश करना है हमें। और ये देखिए हमारा डोरा केक बनकर तैयार है, एकदम बिल्कुल बाजार जैसा यमी बना है। तो इस लॉकडाउन में अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, केक खाने का मन कर रहा है, डोरा केक खाने का मन कर रहा है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में पड़े हैं, आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। को भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे डोरा केक बनकर बिल्कुल बाजार जैसी तैयार है। तो आप भी इसे बना सकती हैं और खा सकती हैं। देखिए बिल्कुल एकदम बाजार जैसी बनी है। देखिए हमारे डोरा केक बनकर तैयार है और बिल्कुल बाजार जैसी बनी है और बहुत ही फ्लफी भी बनी है। तो इस तरह से मैं सारे बना ली हूँ। तो चलिए मैं एक को आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि हमारे डोरा केक कितने फ्लफी बने हैं। काट कर दिखा देते हैं। देखिए ये कितना फ्लफी और सॉफ्ट बना है। फ्रेंड्स, हमारी यमी सा डोरा केक बनकर तैयार है। आई होप सो कि आज की हमारी ये रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें आपका फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। आपके फीडबैक्स से हमें मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन काम करने का। थैंक यू सो मच।